शाम को खाना नहीं बना, पिज्जे के इंतजार में बैठी थी कि ऑर्डर देंगे 10 बजे, और हमारे साथ डील में क्या थी, 1.5 लीटर कोक के लिए रात के 10 बजे ने ऑर्डर दिया है, और अब 11 बज रहे हैं। उसको बंदे को हमारा घर भी नहीं मिल रहा, अब 11 बज हम उसके इंतजार में खड़े हैं, अब 11 बज रहे हैं। हद है वैसे हजील। नहीं जी वो एवरीथिंग फॉर द फ्री बॉटल कोक आ जाएगी 1.5 लीटर की, हमने 10 बजे वाला कहते हैं ऑर्डर देना है, तो घर ही नहीं मिल रहा हमारा। वैसे बड़ी देर से भूखी बैठी हुई है दोनों बहनें, कह रही थी आज पिज्जा खिलाएंगे तो हम पेट में कुछ जाएगा वरना हम भूखी बैठे। चलो हाँ जी, तुसी की तानों की दे से कोक आएगी, आप दोनों को मिलेगा एक एक बाकी सारा है मेरा। पैसे मैं और अला ने दिए और हमें एक एक दिए, ये पहले बात हुई थी। शबो भी आ गई है, शबो तुसी कितने से पान आ रहे जे, तुसी जो अपने काकियां फीड कराओ, शुरू की कंगा तो पकड़ा दो। कौन सा मंगवाया जनाब पिज्जा? जी ये है पैरी पैरी चिकन, ऑनलाइन की बड़ी तारीफ सुनी थी। पैरी पैरी कितने वैसे? हां पिज्जा ऑनलाइन, पिज्जा ऑनलाइन का पैरी पैरी। शाम की जान खाई है, शाम से कुछ नहीं पकाया, बैठे नहीं, कहते हमने खाना भी नहीं खाना, पिज्जा ही खाना, बोल के देना यहां से बैठे हैं भूखे। चलो जी गिर मेरा कैसा है? इनका ज्यादा मजे का था। नाइस। नहीं अच्छा मुझे नहीं इनका पसंद आया। नहीं अच्छा है, वाकई अच्छा है। मैं चक्री जाऊं? हां जी आपने पिज्जा खाना है? ओ जी ओई शब्बू कहती मेरे तो बगैर नहीं तुम खा सकते। मुझे मेरी तरफ। हां ये सैक्रिफाइस सिर्फ मैं ही कर सकती हूं, काफी देर नहीं उतारना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुझे होती है हैरानी, मुझे बहुत हैरानी होती है। अल्लाह क्या डाला होगा इसमें, हमने 1.5 घंटे हमने बोतल की खातिर इतना लेट मंगाया, बोतल में भी नहीं रहा। इस पेप्सी की खातिर तुमने इतना लेट, पेप्सी से तो बायकॉट था, हम उनको कह दिए थे गोरमे का ला दे। प्यारे लोग, प्यारे लोगो मेरे चडंडी ने मारो। नहीं मुझे वो ज्यादा मजा आया। ये रात का पिज्जा जो बच्चों ने मंगवाया था, इसको ऐसे जहमत नहीं करते बच्चे, किसी छोटी चीज ऐसे उठा के फ्रिज में रखा। मैं कहा अज तो अपनी डाइटिंग तो नहीं, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए भंग, और ये खाती मैं थोड़ा सा पिज्ज़ा। अच्छा जी ये पिज्ज़ा, और ये जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी बनाना केक की, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके खा रही हूँ, संभाला हुआ है। अला मेरे पीछे पड़ी हुई कि मामा ने कब्ज़ा करके बैठी हूँ, पर दे दी मैं कि मैंने देना, मेरा बहुत दिल चाह रहा था खाने। मैं बनाती हूँ चाय, और मैं आज नाश्ते में ये कुछ इन्जॉय करूँगी। रात को मेरा ख्याल बच्चों ने बर्तन धोने के बाद ना, जिस दिन हदील की ड्यूटी होती है ना, वो रनर वगैरह साफ़ नहीं करती, उसको इतना सम कहती हूँ ना कि मैं कहती चले बच्चों की आदत अच्छी बन जाती है अगर वो काम करना शुरू कर दें, उनको पता होता है डिसिप्लिन के साथ काम करना। लेकिन हदील अभी डंडी मारती तो आ जाए ना किचन में, फिर सुबह सुबह आए ना किचन साफ़ सुथरा तो बड़ा अच्छा लगता है, मूड ख़राब हो जाता है। चले मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, केक और पिज़्ज़ा तो मैंने निकाल के रख लिया। ये मेरा आज का नाश्ता है टोटल, देखें ज़रा कितना मैं वो कहते हैं फास्ट फूड सुबह सुबह खा रही हूँ, ये इसमें इतना सारे शुगर ले रही हूँ, इसमें भी शुगर मुझे मैदे से बना हुआ है। चलो कभी कभी कर लेना चाहिए, चाय बनाइए तो फिर खाइए। पिज़्ज़ा भी गर्म हो चुका है, अब हम चलते हैं और सुबह सुबह इन चीज़ों को इंजॉय करते हैं, पिज़्ज़ा कैरेट केक और साथ में चाय। ओह चाय का मग गंदा हो गया मेरा, इसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर लूँ।
सुबह का नाश्ता करने के बाद मैं तो बैठ गई थी सिलाई पर, अभी उठ के आई और फिर मुझे इमरजेंसी अब बाजार जाना पड़ रहा है। मैं उससे पहले बाजार जाने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा दुआ सलाम भी कर लूँ, क्योंकि सुबह से दुआ सलाम नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो जो कपड़े हैं उनकी और ज़्यादा मुझे इमरजेंसी आएगी, हमें ज़्यादा जल्दी चाहिए, तो कुछ चीज़ें बाज़ार से लाने वाली हैं। मैं अल्लाह की मिन्नतें कर रही हूँ कि चलो, कहती मम्मा अभी मैं ही और आप मुझे फिर बाज़ार लेकर जा रही हूँ। अल्लाह प्लीज़ चलें, अल्लाह प्लीज़ आ जाओ, उठ जाओ ना मम्मा। तकरीबन अब देखें शाम के 5:35 हो चुके हैं, आ जाओ प्लीज़ फटाफट जाकर हम लेते। मैं थकी हुई हूँ, मैं पैदल चल के आई हूँ वापस। मैंने ना शुरू से बोला था, उसने मना कर दिया। उसको मान जाएगी, उसको कहे नहीं, वो मान रही प्लीज। उसको मनाते मनाते मेरा बहुत टाइम है, उसको मनाते मनाते मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाया हो जाना। थक गई हूँ मैं भी बहुत, थक गोलगप्पे खिलाएंगे आपने, मैं खुद बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मजाक नहीं। गोलगप्पे खिलाएंगे फिर आऊंगी, देखियो तुम्हारा खर्चा ज्यादा करवा दो। गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं, फिर मैं खाऊंगी। आप 250 रुपए की प्लेट कर दी उसने गोलगप्पे की, फजल गए। गोलगप्पे की प्लेट ना कहाँ 50 रुपए की थी दर्जन, अब 250 रुपए की गोलगप्पे की प्लेट हो गई है। मेरे फेवरेट गोलगप्पे और वो इतने महंगे हो गए हैं, उफ़ अल्लाह। या तो कल जाके खा लो, ये फैमिली ना जाना तो फिर जेब से पैसे बाबा सारे लेके जा रहे। तो मैंने कुछ चीज़ें लेनी है इमरजेंसी, टूट जा प्लीज़ अलाउड जा। मुझे कह रही मम्मा आप क्या बनी हुई है, मैं क्या करूं? सारा दिन मशीन पर अच्छे कपड़े पहन के तो बैठा जाता, कभी हिल के इधर जाना था कभी इधर जाना होता, धागों से कपड़े भर जाते हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, मैं हमेशा अपने 2 सूट रखते थे घर पहनने के लिए, एक बाहर आने जाने के लिए। अब तो बस ऐसे ही रंग बिरंगे में हुलिये में रहती हूँ, बाहर जाना या किसी के घर जाना तो कपड़े चेंज कर लेती हूँ। या कभी बड़ा दिल करे, आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कपड़े चेंज करूँ, थोड़ा सा मेकअप शेकअप करूँ, लेकिन नहीं मुझसे हो सका क्योंकि मशीन पर ही मसरूफ रही। अब उठी हूँ तो लाखों ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जा रही हूँ। चलो उठ जा मेरा बच्चा, उठ जा प्लीज़। हमने सिर्फ हमें सिर्फ घंटा लगेगा। मेरा दिमाग फट रहा है। तो प्लीज़ गोलगप्पे प्रॉमिस, गोलगप्पे का प्रॉमिस हो गया। चल उठ जा प्लीज़, हो आई ना। चल उठ जा, जल्दी कर, मैं भी चेंज करने लगी हूँ, आप भी चेंज कर लो। बंदी दिखाती हूँ शुरू में चोना ऊपर ले जाना शुरू कर दिया, वो आज इमोशनली हो गई, कहती तुसी मन की समझाया, मैं जा रही हूँ ऊपर चोना लेके। ये चोना निकाली ऊपर लेके जा रही, 2-3 दफा ली जा चुकी है। ये मैं गिफ्ट आया चोना, अल्लाह की फ्रेंड अक्सा लेकर आई है। चलिए बाजार जाने के लिए मैं तो रेडी होने लगी, अब अल्लाह को ज़बरदस्ती ही ले जाना पड़ेगा मुझे। और अल्लाह रेडी हो गए हैं बाजार जाने के लिए, अब हम जा रहे हैं बाजार। ऐसे चढ़ाए जा रही बेचारी शुरू को कि हम आइसक्रीम और गोलगप्पे सब कुछ खा के हैं, बजट ने इजाजत नहीं दी, जेब बेली हो गई ऐसी, बिल्कुल गोलगप्पे में लानो नहीं खिलाए तो होन। और ये क्या खुला था साथ नहीं फिर सही, मैंने प्रॉमिस किया ना खिलाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैचिंग हमारी हो गई है, एक शलवार आएगी वो डाई करने के लिए दी, वो सुबह इंशाल्लाह अल्लाह वापसी पर ले आएगी। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने काम पे बैठ के अपना काम करूँ जिससे इनकम करनी। हाँ फजूल व्लॉग बोलिए बोलिए। इसी के साथ मैं जाना चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जाने से पहले हमारा वही पैगाम, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जनाब मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, वो जरूर दबाइए। अल्लाह हाफिज़।